मोदी साहब तो न प्रधानमंत्री बनेंगे और न एनडीए की सरकार बनेगी, नॉन एनडीए नॉन बीजेपी सरकार बनेगी। मैं ये नहीं कहूंगा कि उसका प्रधानमंत्री कौन होगा, क्योंकि जब जब भी नॉन एनडीए सरकार बनी है तो हमने कभी भी किसी व्यक्ति को विपक्ष का नेता के रूप में पेश नहीं किया है। और जब चुन के आते हैं तो उसके बाद भी जो भी आम राय बनती है उस पर सब चलते हैं। एनडीए और मोदी साहब के न बनने के दो चार कारण हमारे देश की तकरीबन 90% आबादी महिलाओं की है, युवकों की है, किसानों और मजदूरों की। और इन चारों के साथ एनडीए की तरफ से और माननीय प्रधानमंत्री जी की स्वयं उनकी तरफ से उनका विश्वासघात हुआ है और उनको धोखा दिया है। चारों ओर निरंतर पूरे 5 साल से इलेक्शन के दौरान 2014 के चारों से वादा किया था माननीय मोदी साहब ने, जो गरीब वर्ग है मजदूर तबका सबसे गरीब है बाकी उनका गरीब है, उनसे काला धन देश से लाने का 15 लाख रुपए देने का वादा किया था, वो वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। तो वो वर्ग जो अकाउंट खोले हुए हैं 5 साल से और इंतजार कर रहे हैं 5 साल से 15 लाख कमाएगा, वो वर्ग इस दफा भाजपा के खिलाफ एनडीए के खिलाफ। किसान वर्ग बहुत बड़ी शक्ति है, ताकत है, उनके साथ मोदी साहब ने वादा किया था कि उनके जो लागत है उनके आज पैदा करने के लिए, वो चावल हो, जौ हो, दाल हो, गन्ना हो, सरसों हो, जो भी हो, बंगाल में गहत हुआ और 10 लाख 47 में बंटवारा हुआ 36 करोड़ हमारे पास था, चावल नहीं था, क्यों रशिया से मंगाते थे बाद में अमेरिका से और ये हम बांट देते थे अपने लिए नहीं था, चीनी भी बना आने भी बना चावल वो तो मंगाते ही अमरीका ने कहा कि हम हमको चावल देते हैं और हम जो कहें आपको तो मालूम इंटरनेशनल इसको वोट दे दो उसको वोट दे दो। तो तब नेहरू ने